हेलो एवरीवन, सो वेलकम अस टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल ग्रोथ। प्रीवियस क्लास में जो कि हमने स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की थी, तो हम यहाँ पर आज देखेंगे फिजिकल ग्रोथ हमें क्या क्या देखने को मिलती है बेबी में। तो बेबी में हम फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर देखना है वेट, हाइट, हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर वेट से स्टार्ट करते हैं कि बेबी का एट बर्थ, एट मतलब जब बेबी जन्म हुआ है तब उसका वेट कितना होना चाहिए। तो तब हमारा जो उसका वेट है 2.5 kg से 3 kg, यहाँ पर उसका वेट होना चाहिए। ये हमारी नॉर्मल रेंज हो जाती है कि उसका 2.5 kg से 3 kg के बीच में यहाँ पर उसका वेट होना चाहिए। अगर 2.5 kg से अगर उसका कम है, वेट बेबी का कम है, तो वो लो बर्थ वेट में आ जाता है, तो वो मालनरिशमेंट की भी कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2.5 kg हमें एट बर्थ में देखने को मिलता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि 25 से 30 ग्राम पर डे हमें इंक्रीज देखने को मिलता है 5 to 6 मंथ तक, हमें 25 से 30 ग्राम पर डे इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 ग्राम पर डे इंक्रीज हमें देखने को मिलता है 6 से 12 मंथ तक, मतलब 1 ईयर तक हमें 15 ग्राम पर डे देखने को मिलता है। हमने देखा कि 6 मंथ में यहाँ पर 25 से 30 ग्राम पर डे देखने को मिल रहा था, लेकिन हमने देखा कि 15 ग्राम पर डे हो गया 6 से 12 मंथ में, कि जो हमारा 6 मंथ तक का जो पीरियड होता है ना, वो रैपिडली जल्दी जल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद 6 से 12 मंथ में वहां पर थोड़ी सी स्टॉप तो नहीं बोलेंगे, बट डिक्रीज हो जाता है जो ग्रोथ का, जो बोल सकते हैं कि इंक्रीमेंट होना होता है कंपैरिजन टू 6 मंथ, वो उसका डिक्रीज हो जाता है। और हम बात करते हैं, ये हमारा तो हो गया, अब हम देखते हैं कि 5 to 6 मंथ में हमें एट बर्थ का डबल वेट देखने को मिलेगा। अगर बेबी का एट बर्थ में 2.5 kg है या फिर 3 kg है, तो हमें 5 to 6 मंथ में डबल देखने को मिलेगा, मतलब 2.5 से 2 गुना देखने को मिलेगा, या फिर अगर 3 है तो 3 से 2 गुना हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो जाता है 5 to 6 मंथ का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ट्रिपल देखने को मिलता है हमें 1 ईयर के अंदर। तो 1 ईयर का अगर बेबी है तो उसका ट्रिपल होना चाहिए, मतलब एट बर्थ से उसका 3 गुना बड़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2 ईयर में उसका 4 गुना बड़ा होना चाहिए एट बर्थ जो वेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 टाइम, मतलब 5 गुना बड़ा हुआ हमें 3 ईयर में देखने को मिलता है, और इसी के आगे हम देखते हैं 10 गुना हमें बड़ा हुआ 10 ईयर में देखने को मिलता है। तो ये हमारी हो जाती है फिजिकल ग्रोथ, जो कि हमने वेट से रिलेटेड देखी। हम इस फॉर्मूला के थ्रू हम इसे से जो रेंज है या फिर जो हमारा वेट है, हम उसे निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हाइट की, कि बेबी का एट बर्थ में हाइट कितनी होनी चाहिए, हेड सर्कमफेरेंस कितना होना चाहिए, जो हमारा बेबी का हेड सर्कमफेरेंस होता है चेस्ट सर्कमफेरेंस की बात करते हैं। तो हाइट में हम यहाँ देखते हैं कि जो एट बर्थ में हमें हाइट देखने को मिलेगी 45 से 50 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी, मतलब 45 से 50 सेंटीमीटर को देखने को मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पूछने को आ जाता है कि बेबी की एट बर्थ में हाइट कितनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 6 मंथ तक, 1 मंथ से 6 मंथ तक हमें कितना देखने को मिलेगा, तो 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ हमें देखने को मिलेगा 6 मंथ तक। तो इंक्रीज देखने को मिलेगी उसकी हाइट 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ हमें देखने को मिलेगी 6 मंथ तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ हमें इंक्रीज देखने को मिलेगी 12 मंथ तक, जब तक बेबी 12 मंथ का हो जाता है। तो इस तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर वेट में देखा था कि रैपिडली 6 मंथ तक रैपिडली ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला था, ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, सेम यहाँ पर हमें हाइट में भी देखने को मिलेगा कि 2.5 सेंटीमीटर हमें 6 मंथ तक देखने को मिलता है, 1.25 सेंटीमीटर हमें 12 मंथ तक देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो जाता है 6 मंथ और 12 मंथ में हमें कितना कितना पर मंथ यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1 ईयर में जो बेबी की जो हाइट है यहाँ पर 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 2 ईयर में 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एंड 3 ईयर में हम देखते हैं कि यहाँ पर 95 सेंटीमीटर, 4 ईयर में 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं डबल होनी चाहिए एट बर्थ से, यहाँ पर डबल देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 ईयर में, तो 13 ईयर में 150 सेंटीमीटर, मतलब 150 सेंटीमीटर, मतलब ट्रिपल, तो एट बर्थ से हमें ट्रिपल देखने को मिलेगी। ये तो हो जाती है हमारी हाइट, तो हाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एज हमारा जो ट्रिपल, डबल वाला, ट्रिपल वाला एंड एट बर्थ वाला मोस्टली पूछा ही जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस की। तो हम हेड सर्कमफेरेंस की बात करते हैं, तो एट बर्थ में हमें हेड सर्कमफेरेंस देखने को मिलता है 33 से 35 सेंटीमीटर,
और हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट 3 मंथ में हमें 2 सेंटीमीटर पर मंथ यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा जो हमारा हेड सर्कमफेरेंस होगा, बेबी का हेड सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 to 6 मंथ में हमें 1 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज देखने को मिलेगा हेड सर्कमफेरेंस की साइज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट 6 से 12 मंथ में हमें 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ उसके हेड की साइज हमें इंक्रीज देखने को मिलेगी। ये तो हमारा हो जाता है हेड सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं चेस्ट सर्कमफेरेंस, तो चेस्ट सर्कमफेरेंस की बात करते हैं। तो चेस्ट जैसा कि अभी हमने देखा हेड सर्कमफेरेंस, तो चेस्ट सर्कमफेरेंस की बात करते हैं 3 सेंटीमीटर लेस देखने को मिलेगा हेड सर्कमफेरेंस से। मतलब यहाँ पर अगर हमें 33 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर कम देखने को मिलेगा चेस्ट सर्कमफेरेंस, जो बेबी का चेस्ट सर्कमफेरेंस होगा। मतलब वहां 33 है तो हमें 30 सेंटीमीटर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा हो जाता है चेस्ट सर्कमफेरेंस। और हम बात करते हैं 1 ईयर जब एज बेबी की हो जाती है तो जो हमारा हेड सर्कमफेरेंस होता है एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है दोनों ही इक्वल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस एज में जो हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस दोनों इक्वल देखने को मिलता है। 1 ईयर ऑफ एज में हमें हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस दोनों इक्वल देखने को मिलते हैं। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है हेड सर्कमफेरेंस से 3 सेंटीमीटर लेस देखने को मिलता है। तो ये तो हमारा हो जाता है फिजिकल ग्रोथ, जो कि हमने यहाँ पर फर्स्ट बात की थी हमने वेट की, देन हमने हाइट की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेड सर्कमफेरेंस चेस्ट सर्कमफेरेंस। तो हम बात करते हैं जैसे हम रिव्यू देख लेते हैं, तो हम एट बर्थ को वेट की बात करते हैं तो 2.5 से 3 kg हमें देखने को मिलना चाहिए। और हम बात करते हैं वेट की तो 45 से 50 सेंटीमीटर सॉरी हाइट की बात करते हैं तो 45 से 50 सेंटीमीटर यहाँ पर उसकी लेंथ देखने को मिलनी चाहिए। हेड सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो 33 से 35 सेंटीमीटर इसकी जो हेड सर्कमफेरेंस देखने को मिलेगा। और चेस्ट सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो 30 से 33 भी बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हेड सर्कमफेरेंस से 3 सेंटीमीटर लेस देखने को मिलेगा। इस तरह से हमारा फिजिकल ग्रोथ यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।